नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल पिक्सल स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट बड्स के बारे में। सबसे पहले बात करें, गूगल पिक्सल इस बार कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को देख के उसी को रिपीट करके लॉन्च कर देना वो एक नई टेक्नोलॉजी नहीं होती। पहली बात, हाँ आप कितने भी बेस्ट बना रहे, लेकिन कभी ना कभी आपको यूनिक लेके आना पड़ता है, कुछ लुक लाइक एप्पल फोन की तरह। वो हमेशा कुछ नया लाने की ट्राई करते हैं, लेकिन स्टेबल फॉर्म में। जैसे कि दोस्तों बात करें इस बार क्या नया लेकर आया, पहले मैं बता दूं, जैसे गूगल मतलब मेरे पास सैमसंग बड्स है, अभी मुझे कोई भी गाना या कुछ भी चेंज करना होता है तो मुझे यहाँ पे टच करना होता है तो यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो जाएगा, मुझे चेंज करना है तो 3 बार टच करना होगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको इसे टच करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बड्स। अब मुझे क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कभी कभी हुआ तो आराम से फीलिंग के हिसाब से हल्के हल्के, लेकिन कभी कभी होता है बहुत ज्यादा इरिटेट होगा तो बार बार मारते हो तो कान के अंदर लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने हथौड़ा मार दिया। तो आप कैसे उसे ठीक कर सकते हैं? सबसे अच्छी चीज जो आई है इस बार वो आई है स्किन इंटरफेस कंट्रोल लुक लाइक। एक शेडो आएगी यहाँ पे, मतलब इंफ्रारेड निकल के आएगी, उससे आप यहाँ पे मतलब लुक लाइक दिस, यहाँ पे आप वॉल्यूम बढ़ाना है, अप डाउन करना है, जो फंक्शन मुझे यहाँ पे। पे मार्केट टच करने पड़ रहे थे इस पे, तो वो टच सेंसर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हल्का सा मतलब आगे यहाँ पे कुछ मतलब फर्क भी नहीं पड़ेगा, और तेज तेज मारना नहीं आपको, नॉर्मल हल्के से काम चल जाएगा, तो वो रिएक्ट देख लेगा। और ये जो मतलब टेक्नोलॉजी है लुक लाइक वीआर टेक्नोलॉजी, मतलब आप कोई चीज पहन लेते हैं तो आप उसे सेंस कर पाते हैं, एंड अगर आप उतार दें तो नॉर्मल लाइफ है। ये एआर टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप मतलब महसूस कर सकते हैं 3D में कि हाँ डिस्प्ले पे वॉच कैसे लग रही है, तो वो एआर नहीं है, वीआर टेक्नोलॉजी है, मतलब आप कुछ लगा के ही देख सकते हैं। अनदर मतलब यहाँ पे आपको इंफ्रारेड लाइट देखनी है तो आप कैमरे में देख सकते हैं कि कैमरे में वो निकल के आएगी, जैसे कि आईआर ब्लास्टर होता है, तो आप रिमोट को देखेंगे तो वो उस टाइप की आएगी। लेकिन दोस्तों इसमें आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो बनता है, जैसे कि यहाँ पे बात करें वॉल्यूम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बात करें सॉन्ग नेस्ट कर सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन आपको होल्ड करके रखना है पूरी तरीके से नॉइस कैंसिलेशन आ जाएगा, बात करें गाने को चला सकते हैं, रोक सकते हैं और आगे नेक्स्ट भी कर सकते हैं। बात करें दोस्तों स्मार्ट वॉच में किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, तो वॉच के लेफ्ट एंड राइट साइड स्क्रोल बार ऊपर नीचे करने के लिए काम आएगा, आपको जूम करना है डिस्प्ले पे तो आप टच कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी जूम कर सकते हैं साइड से, और एप्लीकेशन में स्क्रोल बार ऊपर नीचे करने के लिए आ गया, जूम करने के लिए आ गया, बात करें क्लिक करने के लिए आ गया, इस तरीके की फंक्शनैलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो चुराने वाली बात जो मैंने कही थी शुरू में, सोनी लाइक बड्स के अंदर ये ऑलरेडी सिमिलर फीचर पहले से ही आ चुके हैं दोस्त, लेकिन स्मार्ट वॉच के अंदर इस तरीके के फीचर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मार्ट वॉच के अंदर जो आ रहे हैं वो नए आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जो बड्स की टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी सोनी अपने बड्स में लेके आ चुका है। लेकिन गूगल क्या नया करने का कॉन्सेप्ट रख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। टच बार मुझे ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि आप एयर टाइट पहने होता है हल्का सा कोई भी, जैसे कि आपने डॉक्टर वाला वो क्या होता है पता नहीं उसका नाम क्या है, आप कान पे लगाएंगे तो हल्का सा भी ना मतलब टच होता है कान में लगता है, वही वाली फीलिंग आती है, आप हल्का सा भी टच करते हो पूरी तरीके से खोपड़ी में बसता है, लेकिन यहाँ पे आप कितनी भी तेज मारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, आता है तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों ये कब आपको मार्केट में देखने के लिए मिलने वाले, अभी मार्केटिंग के तो मतलब बहुत ज्यादा जल्दी कह रहा हूँ मैं, लेकिन आपको इसके फीचर, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल हो सकता है वो आपको सब अप्रैल में देखने के लिए मिल जाएंगे। तब तक तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, कुछ और नया आता है तो आपको शेयर जरूर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।